तो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सीधे रुख करेंगे खबरों का। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने जुलाई में टिकट घोषित करने को कहा था, लेकिन अब तक टिकट नहीं घोषित किया। वहीं बीजेपी ने 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने विचार करके जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दिया है। उन्होंने एनजीटी के फैसले पर कहा कि निर्णय की समीक्षा करके फैसला लिया जाएगा, सरकार के लिए सब बराबर है। कांग्रेस तो कह रही थी कि हम जुलाई में कर देंगे, पर उनके तो हुए नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 39 प्रत्याशी पार्टी ने घोषित कर दिए, तो पार्टी की तरफ से पूरी चुनावी रणनीति तैयार है। और जिस रणनीति के आधार पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व, पूरी रणनीति के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, और शानदार सफलता मध्य प्रदेश में पार्टी को मिलेगी।